फाइनली दोस्तों 9 जून को गदर एक प्रेम कथा का दोबारा री रिलीज कर दिया गया था और आज इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार तरीके से 5 दिन कंप्लीट कर लिया है। और 22 साल पुरानी फिल्म होने के बावजूद क्या अमेजिंग ग्रोथ के साथ कमाई कर रही है, वही मान गए। जी हाँ दोस्तों, गदर एक प्रेम कथा इंडिया की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया था 2001 में। दोस्तों जिस तरह से 2001 में इस मूवी ने भर भर कर कमाई करी थी, सेम ट्रेंड अभी भी देखने को मिल रहा है। तो आज जानेंगे कि मूवी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू और रिएक्शन मिल रहे हैं, क्या लोग वाकई में इस फिल्म को दोबारा देखना पसंद कर रहे हैं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी धमाकेदार फिल्म के डाई हार्ड फैन हैं तब, और सनी देओल के डाई हार्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दोस्तों गदर की क्वालिटी को एनहेंस करके इसे 4K क्वालिटी में री रिलीज करा गया है जिसे जनता बहुत पसंद कर रही है और जो भी निकल रहा है पैसा वसूल करके निकल रहा है। दोस्तों अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 18.5 करोड़ के बजट में बनने वाली गदर एक प्रेम कथा फर्स्ट टाइम जब रिलीज हुई थी तब लगभग 133 करोड़ का बिजनेस किया था। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को मल्टीपल स्टार कास्ट के साथ सजाया गया है जिसमें मेन लीड में आपको सनी देओल और अमीषा पटेल देखने को मिलेंगे, सपोर्टिंग रोल में आपको उत्कर्ष शर्मा और मेन विलेन में आपको अमरीश पुरी जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे। दोस्तों 2001 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने फिल्म को ना देखा हो। बच्चा सनी देओल का कम तारा सिंह का ज्यादा फैन था और वो हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन, भाई इससे तो कोई कभी भी भुला नहीं सकता। एक ऐसी रिवोल्यूशनरी फिल्म थी बॉलीवुड सिनेमा की जिसमें मासी एक्शन की कोई कमी नहीं थी, एक्शन के मामले में दूर दूर तक, उस जमाने में तो क्या आज भी, इस फिल्म से कोई टक्कर नहीं ले सकता। इस फिल्म के कैरेक्टर्स, स्क्रीन प्ले, स्टोरी राइटिंग, बीजीएम, वीएफएक्स, सॉन्ग्स और ऐसे दमदार डायलॉग, कुल मिला के पूरी फिल्म कॉन्टेंट इज अमेजिंग। छोटे से पिटारे में बम का धमाका था। हर दिन जबरदस्त तरीके से हाउसफुल शोज देकर इस फिल्म ने ऐसा इतिहास लिखा था जिसको आज भी हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों इस फिल्म ने उस जमाने में अपने कॉन्टेंट के दम पर 10 करोड़ से ऊपर टिकट बेचे थे। अगर आज इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की कमाई इन्होंने अपने खाते में रख ली थी उस जमाने में। जी हाँ दोस्तों, मूवी का बजट लगभग 18 से 19 करोड़ के बीच में था और उस टाइम पर इस फिल्म ने लगभग 133 करोड़ के आसपास बिजनेस भी करा था जो कि एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी थी। दोस्तों बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो अमेजिंग ग्रोथ करती रोज नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जहां इस फिल्म ने 500 सिनेमाघरों में अपने पकड़ बनाते हुए पहले ही दिन बम्पर ओपनिंग ली थी लगभग 65 लाख की, जो कि एक 22 साल पुरानी फिल्म के लिए ह्यूज नंबर है, वो भी ऐसे कॉन्टेंट जिसे बच्चा बच्चे ने पहले ही देख रखा हो। वहीं अपने दूसरे दिन रिदम में कमाई करते हुए 15% की ग्रोथ के साथ लगभग 75 लाख की कमाई अपने खाते में रखी थी और मात्र 2 दिन में ही लगभग 1.40 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था। दोस्तों आज भी थिएटर में गदर के बेहतरीन सीन्स तालियां और सीटियां मारने पर खूब मजबूर कर रहे हैं लोगों को और जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है पुरानी यादें ताजा करके आ रहा है। दोस्तों अपने तीसरे दिन यानी संडे का फुल एडवांटेज लेते हुए मूवी ने लगभग 81 लाख का बिग कलेक्शन अपने खाते में रखा था और कल यानी डे 4 में लगभग 28 लाख का कलेक्शन करते हुए जबरदस्त हिस्ट्री क्रिएट करी थी और इसी के साथ पहले 4 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 2.49 करोड़ से ऊपर पहुंच गया था। बात करें आज यानी डे 5 में कैसी ग्रोथ है तो यस, वैसे तो शोज कम कर दिए हैं लेकिन जहां भी मूवी लगी है लोग आ रहे हैं देखने को। इसी के साथ एंड ऑफ द डे लगभग 25 से 30 लाख का स्ट्रांग होल्ड करते नजर आएगी और इसी के साथ एंड ऑफ द डे टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग में लगभग 2.75 करोड़ के आसपास होल्ड करते नजर आएगी मूवी। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। पहले तो ये कि गदर 2 आप लोगों को कितनी बेसब्री से इंतजार है, दूसरा ये कि गदर मूवी अगर आपने देख रखी है तो आपको मूवी कैसी लगी, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।